आपकी जो प्रेस वार्ता पहले तो मैं आपके सब मीडिया पत्रों का दिल से दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप जहाँ पर पहुँचे और जो आरस पूरा जम्मू फोटो कॉन्फ्रेंसी है इसकी आवाज आप दिल्ली तक इसकी पहुँच हुआ वो आप पहुँचाने का काम करेंगे। मैं आपको दोबारा दिल के शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज जो मैंने प्रेस वार्ता जहाँ पर रखी है, मैं कांग्रेस में 30 साल से मुझे बड़ा एक दुख के साथ आपको ये बताना पड़ रहा है कि मैं 30 साल से कांग्रेस पार्टी का मैंने काम किया और एज ए वर्किंग प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट रूरल जम्मू बद्रीनाथ शर्मा मेरा नाम है, डिस्ट्रिक्ट रूरल जम्मू मैंने पिछले कई सालों से जहाँ पर काम किया। अप्रैल महीने में जो जहाँ पर लोकसभा के इलेक्शन हुए, हमें जहाँ पर दिन रात एक करके हमारे साथियों ने दिन रात एक करके कांग्रेस पार्टी को जहाँ से विजय हासिल की, ये आरसपुरा जम्मू सोल काउंसिल से 8000 जो लीड मिली है वो हमारे वर्कर और हमारे जो कांग्रेस पार्टी के डेलीगेट थे उनकी मेहनत से, ये जहाँ पर उनकी मेहनत से ये जहाँ पर आरसपुरा जम्मू सोल जो है वो जहाँ पर लीड कांग्रेस पार्टी को मिली है। हमने पार्टी के अंदर आपके माध्यम से पिछले 2 महीने से हम कांग्रेस पार्टी के अंदर ये बात हमने रखी कि जो आरसपुरा जम्मू साउथ कॉन्स्टिट्यूंसी है जहां पर 42% हमारा रफूजी पीओजे के डिस्प्लेस पर्सन जहां पर 42% वोट है और हमें जहां का कैंडिडेट लोकल कैंडिडेट यहां पर दिया जाए, मगर इस कांग्रेस पार्टी ने जहां के जो लोग थे जहां पर जो खुद गर्ज लोग जिन्होंने पार्टी का सत्यानाश किया है उन लोगों ने जहां पर आरसपुरा जम्मू सोख के लोगों को जो लोकल लोग थे जहां पर उनको इग्नोर करके जहां पर 42% जो रिफ्यूजी बैंक थी उन रिफ्यूजियों को इग्नोर करके उन्होंने बाहर का कैंडिडेट जहां पर हमारे पार्टी के ऊपर हमारे लोगों पर जो जहां पर बैठे सब डेलीगेट बैठे हैं कांग्रेस पार्टी की रीढ़ की हड्डी बैठी हुई जहां पर उनको इग्नोर करते हुए बाहर का कैंडिडेट हमारे आरसपुरा जम्मू सोख पर थोपा गया। आज हम आपके माध्यम से मैं ये रिजाइन करता हूं कांग्रेस पार्टी से, वर्किंग प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट रूरल जम्मू बद्रीनाथ शर्मा आपके माध्यम से हाईकमान को यह रिजाइन मैं करता हूं कि हम दुखी होके जो आपने जो फैसला किया जहां पर जो 42% रिफ्यूजियों को इग्नोर किया है उसके साथ साथ हमारी 26 साल से जो आरसपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी रिजर्व थी तो जो जहां पर जहां का कैंडिडेट है जनाब रमन बल्ला जी वो बहु में कॉन्स्टिट्यूंसी में इलेक्शन लड़ रहे थे, उन्होंने 3 इलेक्शन हार चुके हैं। जो पार्टी का जो है कि दो इलेक्शन हारता है उसको कैंडिडेट नहीं बनाया जाए, एक रेजोल्यूशन पास हुआ है दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के हाईकमान ने, मगर वो उसको नजरअंदाज करते हुए रमन बल्ला जी खुद जहां पर खुद उन्होंने कहा कि मेरे आरसपुरा जम्मू साउथ में इलेक्शन लड़ने मैं आपके माध्यम से जो जहां पर मेरे रिफ्यूजी भाई हैं 42% जो रिफ्यूजी भाई हैं उनको जो अपील करता हूं आज जो हमारे ऐसी कम्युनिटी है जो हमारे साथ 30 साल से मेरे साथ चलते आए मैं उनके चरणों में हाथ जोड़ के ये प्रार्थना करता हूँ कि आरसपुरा जम्मू साउथ जो हमारा पहचान है वो हमारा जो जहां से भारतीय जनता पार्टी का जो डॉक्टर नरेंद्र सिंह रैना जहां पर जो कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी ने 42% रिफ्यूजियों के साथ इंसाफ करते हुए 42% रिफ्यूजियों के हकूक की बात करते हुए डॉक्टर नरेंद्र सिंह सत्य को जहां पर आरसपुरा जम्मू सोख का कैंडिडेट उतारा हम उसको समर्थन करते हैं। हम कांग्रेस पार्टी से रिजाइन करके तमाम आरसपुरा जम्मू सोख मेरे भाई मेरे नौजवान साथी जिनका भविष्य आगे जुड़ा हुआ है मैं उन नौजवानों को अपील करता हूँ जो सियासी तौर पर जो आज खुशी तौर पर मैं जो कांग्रेस पार्टी में इस वक्त हमारे नौजवान साथी या हमारे बुजुर्ग कांग्रेस पार्टी के साथ चलते हैं उनको हाथ जोड़ के उनके चरणों में आपके माध्यम से बेनती करता हूँ कि जे आरसपुरा जम्मू सो जो कॉन्स्टिट्यूंसी है जे रिफ्यूजी बेल्ट है जे इस वक्त आप कांग्रेस को छोड़ के भारतीय जनता पार्टी के जो फैसला
जो उनके रिफ्यूजी पे बैठे हो कैंडिडेट पर उतारा, उसके हाथ मजबूत करे ताकि, लेकिन आप कांग्रेस पार्टी में भी रहे तो कांग्रेस पार्टी को इस किस्म का इल्म हो, उसकी आंखें खोलने का काम करो कि ताकि अगले 5 साल में जो हमारे नौजवान कांग्रेस पार्टी में है उनका रास्ता साफ करने का काम आप ही इसी वक्त फैसला ले कि भारतीय जनता पार्टी का जो उन्होंने फैसला किया। मैं समझता हूँ कि पीओजे के एसटी एससी हमारे लोहड़ा बिरादरी और जो जितने कम्युनिटी ओबीसी कम्युनिटी, लेकिन इनकी हक हकूक की कोई बात करती है तो भारतीय जनता पार्टी करती है, ना कि कांग्रेस करती है। कांग्रेस सिर्फ 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 इतना कहती है कि हम सेकुलरिज्म को काम, क्या हम क्या भारतीय जनता पार्टी सेकुलरिज्म की मिसाल नहीं है? क्या कश्मीर के अंदर हमारे मुस्लिम भाई को कैंडिडेट नहीं उतारा गया? जो हमारे लोगों के साथ जो कांग्रेस पार्टी कहती कुछ है करती कुछ है, और हमारे जो जहां के कैंडिडेट है रमन बल्ला जी, मैं आज आपके माध्यम से पूछता हूँ, जो बात जो हमने अप्रैल महीने में लोकसभा का जो इलेक्शन किया, आप एक बात मुझे बता दें कि 5 पैसे भी हमको दिए, हमारे वर्कर को चाय भी पिलाई हो, हमारे वर्कर ने स्कूटर में खूब तेल डाल के, गाड़ी में तेल डाल के, अपने पॉकेट से खर्चा करके इस लोकसभा सीट में उनका यही मशा थी कि हम आर पूरा जम्मू सोप का जो अपना कैंडिडेट लोकल कैंडिडेट हो उसको हम जिताए, जो हमारा जो नुमाइंदा जो असेंबली में जाए और हमारी बात वहां पर आरसपुरा के लोगों की बात रखे। मगर जब कांग्रेस पार्टी ने बाहर का कैंडिडेट जहां पर उतारा, हम उसका पुनजोर हम इसका विरोध करते हैं, और हम जो आपके माध्यम से जो अपील करते हैं